जब होगा तब देखा जाएगा। हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस साइको एजुकेशनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा आज मानसिक परेशानियों से निपटना हुआ है आसान, और आज का वीडियो ऑनलाइन मेंटल हेल्थ, ऑनलाइन मेंटल काउंसलिंग का ही हिस्सा है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मानसिक परेशानियों से जो ग्रसित हो जाते हैं वो लेट गो नहीं कह पाते हैं, वो यह बात नहीं कह पाते हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा। वो अब के अब कुछ करना चाहते हैं, अब के अब उनको चिंता पकड़ लेती है, उसे छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी चिंताएं भविष्य से ओरिएंटेड होती हैं लगभग, और जो डर होते हैं वो भी फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। वो उन भविष्य की चीज़ों को वर्तमान में खींच लाने की भूल कर देते हैं, और यही भूल उनके लिए इस कदर महंगी पड़ती है कि वो मानसिक परेशानियों से पीछा छुड़ा नहीं पाते हैं। वो यह कह ही नहीं पाते हैं कि जब चिंता होगी तब देखेंगे, आज क्यों चिंतित होना, आज तो इंजॉय करते हैं, आज कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, आज कुछ फनी करते हैं, आज कुछ अलग करते हैं, ऐसा वो सोच ही नहीं पाते हैं। बस उन भविष्य ओरिएंटेड चिंताओं के कारण, उन पास्ट में मिले अनुभवों के कारण, खट्टे मीठे अनुभवों के कारण वो वर्तमान को खराब कर देते हैं, वर्तमान की वो बलि चढ़ा देते हैं और वर्तमान में दुखी होने का एक निर्णय ले लेते हैं। यही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण है, मानसिक परेशानियों का कारण है। अगर आप चाहते हैं कि मानसिक परेशानियां कम हो जाएं, तो एक बार खुद से ये कहिए, लेट गो, होगा तब देखा जाएगा, अभी क्यों चिंतित होना। एक स्टूडेंट अगर ये सोचे कि अगर वो पास नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, अगर मार्क्स में उसे ग्रेड अच्छे नहीं मिले तो क्या होगा, अगर वो फ्यूचर की चिंताओं को अभी के अभी सोचने लग जाए और परेशान होता रहे, तो इसे समझदारी नहीं कहा जा सकता, इसे मानसिक बीमारी को न्योता देने वाली कहावत ही कहा जा सकता है। क्योंकि ये जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा, उसकी चिंता आज क्यों लेनी, आज को क्यों दावों पर लगाना, आज जो शांति है, आनंद है, उसको क्यों खराब करना जो शायद हो भी ना। हो सकता है कि ग्रेड अच्छे आ जाएं, कुछ चमत्कार हो जाए, चमत्कार इन द सेंस कि कुछ अच्छा हो जाए, अगर अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होगा, तो वो जो होने वाला ही नहीं है, जो लगता है कि हो जाएगा, उस हो जाने के पीछे आज को दांव पर लगा देना सबसे बड़ी बेवकूफी है। और मानसिक रोगों से परेशान इंसान, मानसिक परेशानियों से परेशान हमेशा ऐसी भूल कर बैठते हैं कि वो उसके लिए जो होने का सिर्फ भ्रम मात्र है, होने का एक सिर्फ और सिर्फ एहसास सा लगता है, वो वास्तव में होता ही नहीं है, उसके लिए आज को कुर्बान कर देते हैं, और यही कुर्बानी उनको दुख तकलीफ और परेशानियों का कारण दे जाती है। तो आज के इस टिप्स को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि लेट गो, जब होगा तब देखेंगे, आज तो इंजॉय करते हैं, कुछ अलग करते हैं, यही किया हुआ उनका एक्शन, यही की हुई सबसे ज़रूरी खुद से बातचीत उन्हें इन परेशानियों से बाहर ले आएगी। अगर परेशानी नहीं है तो आगे भी होने नहीं देगी। तो आज के वीडियो में लेट गो टेक्निक के बारे में जाना, आप और अधिक मुझसे इन साइकोथेरेपीज, इन साइकोलॉजिकल टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन बात कर सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी ले सकते हैं। अगर आप लेट गो टेक्निक को अपना नहीं पा रहे हैं, जो होगा तब देखा जाएगा ये बात आपके दिमाग ने तो सुन ली लेकिन अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि आज ज्ञान हर एक इंसान के पास है, आज व्हाट्सएप पे ज्ञान बरसता है, सुबह से शाम तक ज्ञान ही तो बरसता है, ये बरसता दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं। तो ये टेक्निक आपको लागू करने में कोई परेशानी आ रही है, कोई अड़चन आ रही है, बाधा आ रही है, तो आप बेझिझक मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, चूक ना जाना ऑनलाइन मुझे अपनी परेशानी के बारे में बताना। अगर आप मुझे बताते हैं कि मैं फ्यूचर से ध्यान नहीं हटा पा रहा हूं और मेरा जीवन बर्बाद होता जा रहा है, मैं चैन से रह नहीं पा रहा हूं, तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी की मदद ले सकते हैं। आज साइकोथेरेपी जो इंसान के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन लाती है, उसके अंदर CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें कॉग्निशन को
बदला जाता है, डेवलप किया जाता है, रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है, बिहेवियर थेरेपीज हैं इम्प्लीमेंट करवाया जाता है कि कैसे रेनफोर्समेंट रिवार्ड के, कैसे पेन और प्लेजर के प्रिंसिपल हमारा माइंड काम करता है। CDT कोग्निटिव ड्रिल थेरेपी, जिसमें फ्यूचर को पास्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, चिंताएं गायब हो जाती है। द पावर ऑफ नाउ, वर्तमान में ठहरने की एक अद्भुत कला, माइंडफुलनेस की टेक्निक। और इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता, जो परेशानी दुखों का कारण है वो कैसे गायब होंगे, इसका बखूबी श्री कृष्णा ने अर्जुन को बताया और आज हमारे पास वो थेरेपी के रूप में उपलब्ध है। तो आप श्री कृष्ण द्वारा दी गई हुई मनोवैज्ञानिक शिक्षाओं का लाभ उठा सकते हैं। भागवत गीता थेरेपी के द्वारा आप ऑनलाइन मुझसे बात कर सकते हैं और ऑनलाइन अपनी परेशानी के बारे में जान सकते हैं। आज काउंसलिंग और साइकोथेरेपी सबकी पहुंच में आ चुका है, आम इंसान इनका फायदा ले सकता है। जो पहले बड़े शहरों में या अमीर घराने के लोग जिन सेवाओं को ज़्यादा लेते थे, आज आम इंसान उन सेवाओं को ले रहा है। तो आप देर मत करें, ऑनलाइन काउंसलिंग सेवाओं का फायदा उठाएं। आप इन वीडियोस के लिए टाइम निकालते हैं और इन्हें अपने मित्र बंधुओं तक शेयर भी करते हैं, इस के लिए मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।